नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पास होते ही पूर्व उत्तर के राज्यों में विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है। विरोध प्रदर्शन में हजारों छात्रों के अलावा बड़े पैमाने पर महिलाएं भी शामिल हुई। गुवाहाटी में इस बिल के विरोध में ज्यादातर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी। विवादित नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पास होते ही असम समेत उत्तर पूर्व के राज्यों में उबाल पैदा हो गया है। पूर्वोत्तर के ताकतवर संगठन नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन की अपील पर 12 घंटे की हड़ताल बुलाई गई है। असम में गुवाहाटी के अलावा गोलाघाट, दिब्रुगढ़, जोरहाट, शिवसागर समेत कई जिलों में दुकानें पूरी तरह बंद हैं। प्रदर्शनकारी सड़कों पर विरोध दर्ज कराने के लिए टायर जला रहे हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नागरिकता संशोधन बिल 1985 में वजूद में आए असम कोड के खिलाफ है। इसके जरिए पूर्वोत्तर के राज्यों में अवैध बांग्लादेशियों को बसाने की कोशिश की जा रही है जो उन्हें मंजूर नहीं है। सो दिस कैब इज वायलेटिंग द असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड इज अ नेशनल कमिटमेंट। इन 15th ऑफ अगस्त 1985 द देन प्राइम मिनिस्टर हैड डिक्लेयर्ड फ्रॉम लाल किला बाय होस्टिंग ट्राइकलर। द अकॉर्ड वाज लेड डाउन इन द पार्लियामेंट। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैड वेलकम असम अकॉर्ड। अस्पाई जी एंड अडवाणी जी हैड वेलकम द असम अकॉर्ड। Now they are trying to violate this Assam Accord. They are trying to kill this Assam Accord, which we will not accept. And today is a martyrs' day. And in this day, they are killing the Assam Accord, and they are adopting this cap in the Lok Sabha only to protect the illegal Bangladeshis. BJP-led government, they want illegal Bangladeshis. They have the numbers in the parliament, so they will impose anything on the people of Assam and Northeast. We will not accept. And this is a strong warning from the soil of Northeast, that Northeast and Assam is not a dumping ground for illegal Bangladeshis. And we would like to tell the citizen of our country, we'd also like to live like a good Indian citizen. But in the central government is forcing us to live like a second-class citizen under illegal Bangladeshis. नागरिकता संशोधन बिल पूर्वोत्तर के राज्यों के प्रोटेक्टेड इलाकों में लागू नहीं होगा। प्रदर्शनकारियों ने बिल के इस प्रावधान पर भी सवाल उठाए। We need protection, and for that we need inland permit, we need six little area protection and other protection also. Now the Manipur is getting ILP, it's very good. The Northeast Student Organization and all Assam Students Union, we are demanding ILP for Assam and whole Northeast. But the fundamental thing, if CAB is bad for whole inland covered area, if the CAB is bad for the six little area, how this cap can be good for other parts of Assam and Northeast? Bad is bad. बीजेपी शासित राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी इस बिल के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया है। जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो त्रिपुरा में आ रहे हैं बस के, और हम इंडिजिनियस पीपल है जो हमारे जो लैंड को वो लोग छीनना चाहते, स्पेशली वो नरेंद्र मोदी एंड दैट अमित शाह, उन लोगों को ये अपोज करना पड़ेगा ये कैब को। ये हमारा जगह है, हमें ये जगह चाहिए, यही है, इसके लिए ही हम अपोज कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर मेजोरिटी से माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। हमारे यहाँ पर 100% में से बीच ओनली 31% हम यहाँ पर है, तो हमारा जो मेजोरिटी से माइनॉरिटी में डिक्रीज हो गए, इसके लिए हम हमारे जगह को किसी को नहीं देना चाहते, इसलिए हम ये अपोज कर रहे हैं। असम, त्रिपुरा के अलावा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में भी प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया है कि जब तक कैब वापस नहीं होगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा, और आने वाले दिनों में अगर पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ होता है तो केंद्र और राज्य सरकार उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।